आईएस वीडियो आपको पेश कर रहा है दैनिक करंट अफेयर्स का विश्लेषण। भूटानी चुनाव। भूटान की राजनीतिज्ञों की नई पीढ़ी भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने में मदद कर सकती है। भूटान में हाल ही में संपन्न चुनाव भारत के लिए क्या मतलब है? भारत के लिए भूटान का रणनीतिक महत्व क्या है? वर्षों से भूटान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग कैसे था? जीएस पेपर 2, भारत और इसके पड़ोस संबंध। ये किस संदर्भ में है? भूटान में तीसरे राष्ट्रीय असेंबली चुनाव ने 2008 में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। एक बार फिर हिमालयी राज्य में एक नई पार्टी लाई है, DNT, एक मेडिकल सर्जन लोटे शेरिंग के नेतृत्व में कुल 47 नेशनल असेंबली सीटों में से 30 जीतता। भूटान में हाल ही में संपन्न चुनाव भारत के लिए क्या मतलब है? भूटान की विदेश नीति में भारत की केंद्रीयता अच्छी तरह से स्थापित है। अपनी पार्टी के उद्देश्यों में DNT ने अपने सभी पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में जबरदस्त जिक्र किया है। विशेष रूप से भारत भूटान दोस्ती की रक्षा और पोषण, भूटान की ऐतिहासिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए खुली सीमा के 699 किलोमीटर की पृष्ठभूमि के खिलाफ भारत को बहुत व्यापक शर्तों में सोचना है। भूटानी नौकरशाहों और राजनेताओं की एक नई पीढ़ी के दो अकलम इम्ब्रोग्लियो और स्थिर उभरने के चलते भूटान भारत संबंधों को कई क्षेत्रों में फिर से बातचीत करनी होगी। भारत के लिए भूटान का रणनीतिक महत्व क्या है? ये भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य है। सामरिक महत्व। चुंबी वैली भूटान भारत और चीन के त्रिज्या में स्थित है और उत्तर बंगाल से 500 किमी दूर है, जो पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। अतीत में भूटान ने भारत को एनरी, एफबी और उल्फा जैसे आतंकवादी समूहों को फहराकर उत्तर पूर्व में विद्रोह करने में मदद की है। भूटान इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जो चीनी राष्ट्रपति ओपीओआर परियोजना के बहिष्कार में भारत में शामिल हो गया। चीन थिम्फू के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने में दिलचस्पी रखता है, जहां अभी तक एक राजनयिक मिशन नहीं है। भूटान भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वर्षों से भूटान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग कैसे था? भारत ने भूटान में अपनी विदेश नीति के एक प्रमुख साधन के रूप में आर्थिक सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। 1989 तक भारत ने अपनी कुल विदेशी आर्थिक सहायता के रूप में 2000 करोड़ रुपए फैले। अगले दशक में भारत ने विकासशील देशों को विदेशी आर्थिक सहायता के रूप में 3300 करोड़ रुपए दिए। भारत ने 107.2 मिलियन रुपए के भूटान की पहली योजना 1961-66 के लगभग 100 योगदान दिया और 202.2 मिलियन रुपए की दूसरी योजना 1966-71 का 98%। हालांकि वर्षों से योगदान धीरे धीरे नीचे चला गया। 11वीं योजना 2013-18 में 213 अरब रुपए की कुल योजना परिव्यय में केवल 23%